गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। दिस इज मनीष कुमार। एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ सेंटेंस दिए थे जो हमारे पार्टिसिपेंट से रिलेटेड थे। उसमें हमने दो वीडियो बनाई थी, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरे में हमारे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस थे। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के आप पहले सेंटेंस मैच करेंगे, जो आपने बनाए हैं उनसे आप उनको मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो एक बार आप इन सेंटेंसों को मैच कर लें, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टूडेंट्स आप ये परफेक्ट प्रेजेंट के हमने मैच करा दिए थे। अब आप पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों के जो हमने सेंटेंस दिए थे उनको आप मैच कर लें, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताना। बस सेंटेंस नंबर जो 9 था उसमें दिया था द पुलिस अरेस्टेड द थीफ कॉमा फुल स्टॉप द थीफ एक्सपोज्ड ऑल सीक्रेट्स, यानी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया और चोर ने सभी राज खोल दिए। तो यहां पर जो सेंटेंस होगा सीधा सीधा तो वो पैसिव में दिया नहीं था, लेकिन इसका जो अर्थ आ रहा है जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो वो अर्थ पैसिव वाला ही आ रहा है कि पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार किया गया कॉमा चोर ने सभी जो राज थे वो खोल दिए। तो इस सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दें, बाकी सभी हमने लिख दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और वो आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले जब हमने पहले दिन प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था तो वहां पर वीडियो में तीनों पार्टिसिपल को लिखा गया था, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड गलती से फ्यूचर लिखा गया, उसको आप ठीक कर लेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हमारे तीन ही पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, तीनों की अलग अलग पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव का कार्य भी करता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का प्रयोग पास्ट और परफेक्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा आपको वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे का वर्क होगा उसे कराया जाएगा। एक बार सेंटेंस आप और नोट डाउन कर लें।